भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान वाइकहोम सूरजलता देवी ने अपने पति और पूर्व हॉकी खिलाड़ी शांता कुमार के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया है। इस बात की जानकारी खुद सूरजलता देवी ने दी है। सूरजलता देवी ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाने के साथ ही तलाक के लिए भी अर्जी दी है। मेरा शादी को 15 साल हो गया है। जिस दिन शादी का दिन है उसी दिन से मेंटली टॉर्चर हरासमेंट शुरू हो गया। लेकिन जो अभी फिलहाल जो हुआ है वो तो जालंधर में कपूतला आरसीएफ में हुआ था। चलिए लास्ट ईयर 2019 नवंबर में कपूतला में ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ था। वहाँ पे 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का टूर्नामेंट था। तो उसमें मैं सेलेक्टर बन के गए थे। वो मैं घर आई थी दिवाली के लिए। साथ में फिर मेरा हस्बैंड के साथ मैं कपूतला चली गई थी, वो भी साथ में आया था। फिर कपूतला में हुआ जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो नवंबर 8 तारीख रात को 9:20 से लेकर सुबह का अराउंड 3 o'clock तक उसने अल्कोहल यूज़ करके जो मारपीट किया है। तो एक्चुअली वो जो मारपीट है और कुछ नहीं, उसको दहेज चाहिए था। इसकी वजह से उसने वहाँ जाके ऐसे मारपीट शुरू किया था। लेकिन ये आपने केस कब फाइल किया पहला? एक्चुअली मैं कपूतला से 13 तारीख को इसके हाथ से छूट के मैं घर भाग के आई थी। 14 तारीख को मैं इम्फाल पहुंच गई थी। जैसे इम्फाल पहुंचते ही मैं JNIMS हॉस्पिटल में अंदर ट्रीटमेंट थी। फिर मैं 16 तारीख नवंबर 16 तारीख को 2019 उसमें मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था। फिर डाइवोर्स का भी उसी 1-2 दिन बाद डाइवोर्स का भी किया था, पर अभी तक डाइवोर्स का अभी तक काउंसलिंग बाकी है।